बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हो गया और 5 दिनों तक चले बिहार विधानसभा सत्र में जमकर हंगामा भी देखने को मिला। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी ने एक ही मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दिया और वो था तेजस्वी का इस्तीफा। खैर, बीजेपी नेता विजय सिंह की कथित पुलिस लाठीचार्ज में मौत पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत आखिर कैसे हुई, क्या पुलिस जो लाठीचार्ज कर रही थी क्या उससे बीजेपी नेता की मौत हुई, और क्या जेडीयू जैसा कह रही है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। इन दोनों सवालों पर फिलहाल तो अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन सच्चाई क्या है इससे जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। वहीं इसको लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। इसको लेकर पूर्व सीएम और नीतीश के पुराने साथी जीतन राम मांझी ने भी बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। जीतन राम मांझी ने कहा कि सभी पर लाठी चटकाना नीतीश कुमार की नियति बन गई है। नीतीश कुमार जिसके साथ गए हैं उसका काम तेल पिलाना, लाठी बजाना और लाठी खिलाना ही था और आज भी वही हो रहा है। प्रदर्शन होता है, सब पर लाठी चटकाना नीतीश कुमार जी का एक नियति बन गई है और निश्चित रूप में है नीतीश कुमार जिसके संगत में है उसका काम ही था तेल पिलाना, लाठी भजाना, लाठी खिलाना, आज वही काम हो रहा है। राजभवन का कार्यक्रम है, अभी 3:30 बजे हम लोग सब राजभवन जाएंगे और मांग करेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन हो, नीतीश कुमार। ललन सिंह ट्वीट करके कह रहे हैं कि जो मृत्यु है वो लाठी चार्ज में नहीं हुई है। वो ललन सिंह नहीं बल्कि प्रशासन से भी कहवा रहे हैं, वो एकदम झूठा फसाद है, जानबूझ करके डाइवर्ट करना चाह रहे हैं ये लाठी चार्ज में। बता दें बिहार में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय सिंह की बृहस्पतिवार को नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ विधानसभा मार्च में हिस्सा लेने के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज से उनकी मौत हुई है। इसको लेकर बिहार की राजनीति में भी खूब बयानबाजी हो रही है। बीजेपी लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है। इस मामले पर पटना पुलिस का कहना है कि बीजेपी नेता के मूर्छित होने के समय घटना स्थल पर ना तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद था और ना ही उस स्थान पर कोई भगदड़ मची थी। वहीं शुक्रवार को विजय सिंह का दाह संस्कार फतुहा घाट पर भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी नेता शामिल हुए थे। वहीं पुलिस की लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी आज राज्य भर के सभी जिलों मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेगी। बीजेपी का आरोप है कि विजय सिंह की मौत लाठीचार्ज से हुई है, हालांकि राज्य सरकार ने इससे इनकार कर दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि धरना के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।